हाय गाइस, वेलकम टू एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस, अभी जो है वो मेरा गला इतना दुख रहा है, पता नहीं, हम तो कुछ खाते भी नहीं है ऐसा, लेकिन गले जो है वो सब, और यहाँ पे जो है वो मक्कू की हरकतें शुरू हो गई हैं और आज तो अपने घर में बैठा हुआ है, पता नहीं किस मूड में है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले गला ठीक हुआ, पहले मैंने व्लॉग भी बनाया था, मामा की तबीयत ख़राब हुई, भाभी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरी ठीक हुई, फिर उसके बाद अभी ना कफ नहीं है, लेकिन गले में ऐसे है जैसे पका नहीं होता, इतना जैसे कोई भारी भारी सा होता है, और रात को जब लेटती हूँ तब भी जो है ना वो तबीयत ख़राब हो जाती है और सोया नहीं जाता। तो जो है पता नहीं क्या हो गया। अभी जो है अभी मैं पानी गर्म करूँगी और उसके अंदर नमक डाल के वो पीऊँगी, ये इनटेक अपना रखूँगी, ताकि जो है वो आई होप्स हो कि उससे मेरा जो है वो ठीक हो जाएगा गला। तो साथ में गरारे भी करूँगी। तो ये जो है ये मामा को बहुत पसंद है, मामा को जहाँ से डेकोरेशन अच्छी मिलती है मामा ले लेती हैं। और ये देखें गाइस मक्कू को, मक्कू अभी अपने घर में ही है और अब बाहर निकलने लगा कि क्या कर रही हो तुम, हैं मेरे साथ शैतानी ना करो। देख वो देख वो देखें बाहर आ गया। आप लोगों से क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ जी, अच्छी हरकतें करो, व्यूअर्स खुश होंगे। ऐसे गंदी बहुत ये हरकतें करनी। मैंने लगा था कि अंदर जो है कोई पैरेट है, तो मुझे जो है ना मिलाओ। आहा, कैसे कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो मगू मगू। मैंने जो है वो पानी को बॉयल होने रख दिया है, क्योंकि जो है वो माइक्रोवेव में पानी को कभी भी गर्म करके नहीं पीना चाहिए। जब भी आप लोग गले के लिए पानी पिएं तो हमेशा जो है वो चूल्हे पे गर्म करें, और जब वो बॉयल हो जाए तो उसके बाद पिएं। अभी मैं जो हूँ वो सॉल्ट डालूँगी, और सॉल्ट भी जो है वो आप लोग पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया करें, ताकि जो है वो आप लोग का गला जल्दी ठीक हो सके, और वैसे भी इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। और ये जो है ये मैं नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अब ये डिज़ोल्व हो जाएगा खुद ही। और थोड़ा सा जो है ना पानी आपने ज़्यादा डालना है इसके अंदर, ताकि जो है वो ठीक तरह से गर्म हो। बस ये अब गर्म हो गया है, मैं डालती हूँ अपने ग्लास में। ये देखिए मेरे ग्लास के ऊपर क्या लिखा है, लाइव्स आ एप्पल। मुझे लगता है कि ये इन्होंने इसलिए लिखा है कि अपने है वो एप्पल का इस्तेमाल करें, ताकि आप डॉक्टर से दूर रहें। तो आजकल जो है वो मैं और मामा रोज एप्पल खाते हैं रात में। फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए, पहले मैं ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करना शुरू हो गई हूँ। और इस लड़के को पता नहीं क्या है, जब भी मैं कुछ कर रही हूँ तब आ जाता है देखने के लिए कि क्या कर रही हो, और बोल ही जाता है लगाई होती है, टैटा लगाई, बस करो, चुप चुप। अभी मैं पीऊंगी नहीं, क्योंकि ज्यादा गर्म है ये, तो अभी थोड़ा सा वार्म होगा तो फिर पीऊंगी। थोड़ा थोड़ा जो वार्म वाटर है वही आप लोगों को पीना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वार्म हो गया है, तो इसलिए मैं पी रही हूँ। बिल्कुल ठंडा आपने ये पानी नहीं पीना, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर करना है, ताकि आपके गले को सुकून मिले। और दूसरा, अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स हैं या टेक्निक्स हैं गले
को ठीक करने के, तो वो भी बताइएगा, क्योंकि कफ नहीं है, सिर्फ जो है वो गले में ऐसे जैसे गला पका होता है। कुछ खाया भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी गला जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप लोग बताना कि क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि रात को भी फिर सोया नहीं जाता उसकी वजह से। देखिए गाइस, हम जो पज़ल तैयार कर रहे थे उसका ये सारा जो है जिन्हें बनाया है, इसके अंदर जैसे जैसे जो जो भी बनाता है वो साथ जुड़ता जाता है। ये सारा जो है यहाँ से लेकर ये सारा ये शारजा जी ने बनाया है, और बाकी ये जो है यहाँ से थोड़ा सा, और यहाँ से जेबी ने बनाया है, एक दो जो हैं वो बाजी ने लगाए थे, मुस्कान बाजी ने, और ऐसे ही ये जो है ये मैंने बनाया है। अभी इसके पीसेस नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कि ये शायद ना मिसिंग है इसके अंदर पीसेस, क्योंकि ये नहीं मिल रहे। सोफा सोफा यहाँ बनना है वो नहीं मिल रहा, ये चेयर नहीं का नहीं मिल रहे पीसेस। ये कलर्स हैं तो सही, लेकिन ये जो हैं ये इससे मैच नहीं कर रहे, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, और ये वाले जो कलर है ये मिल ही नहीं रहे कि कहाँ पे हैं, समझ ही नहीं आ रही। ये वाले पीसेस थोड़े जुड़े हैं, ये इधर जो है ये जब कर्टन होना है कंप्लीट तब लगना है, तो अभी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से पीसेस ढूंढें। तो जो बाजी हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बना लिया है, कुछ जो है उनके साथ ही लग गया है, क्योंकि ये मिडल का था और मिडल का पार्ट जो है वो ज़्यादा है, तो वो जो है वो उनका बन गई हूँ मैं ढूंढ ढूंढ के, लेकिन नहीं मिल रहा। यहाँ पे मेरा जो है वो देखिए पानी भी ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं मिल रहे पार्ट्स। आई थिंक सो कि पता नहीं कहाँ है यार सारे कर्टन्स के। ये देखें अलहदा भी किए हुए हैं, कुछ यहाँ भी पड़े हुए हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। अभी जो है वो पजल के पीसेस ढूंढने में इतना थक गई हूँ कि मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी जो है अब ये देखें कि जो है वो स्वेटर्स वगैरह उतर गए हैं, गर्मी लगती है अब ना, अब थोड़े से ही बस हल्के हल्के से वॉर्म जो क्लोथ्स हैं वो ही पहनने पड़ते हैं, अदरवाइज जो है वो गर्मी लगती है, अब स्वेटर्स वगैरह जैकेट्स वगैरह नहीं पहन सकते। तो इस दफ़ा जो है वो गर्मी जल्दी ही आ रही है, तो खुदा करे कि अभी जो है वो गर्मी जो है वो ना आए। अभी जैसा मौसम है ऐसा ही मौसम अभी जो है वो वन वन मंथ या वन एंड हाफ मंथ रहे। तो आप लोग भी बताइएगा किस किस सिटीज़ से हैं आप लोग, और वहाँ पे गर्मी का क्या सीन है, आप लोग स्वेटर्स पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, कि क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो शाम को हवा चलती है लेकिन गर्मी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है वो अब स्वेटर पहनने पड़ते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। हाँ, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मतलब सुंदरी की जो मामा हैं वो उनके लिए उसके लिए हमने बिस्तर बनाया था, लेकिन वो जो है वो वार्म है, तो अब जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं तो इसलिए वो रात को वहाँ पे नहीं सोती है, हमने देखा है। सिर्फ खाना खाने आती है, क्योंकि बच्चों के बाद मामा ने जो है वो इनको खाना देना शुरू किया, तो वो खाने आती है, बाकी जो है वैसे वो यहाँ पे नहीं सोती है। और अभी जो है वो देख के आते हैं कि वो आई है कि नहीं बाहर, क्योंकि 2 दिन से तो वो वहाँ पे नहीं सो रही है, तो अभी देखते हैं कि सो रही है कि नहीं। तो ये देखिए नहीं, अभी नहीं सो रही वो यहाँ पे, और यहाँ भी देखते हैं कि लॉन में ना हो, लॉन में भी कहीं नहीं है। और आज मैंने बच्चों के जो है ना जगह को थोड़ा सा साफ़ किया था, अभी मैं प्रॉपर नहीं हुई ये साफ़, तो मैं अभी उसको प्रॉपर भी साफ़ करूँगी। यहाँ पे भी अक्सर आके बैठ जाती है, तो मैंने कहा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। अंदर आ गई हूँ तो मामा बता रही थी कि जो है ना वो अभी खाना खा के गई थी, तो क्योंकि जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके ऊपर बैठ के गर्मी लगती है, तो इसलिए उसके ऊपर नहीं सोने के लिए वो आती है, तो इसलिए गई हुई है वो घूमने बाहर ना, घूम रही है कहीं बाहर,
बस खाना खाया उसने और चली गई है वो। तो सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही हमारे व्लॉग्स मिलते रहें। ओके, खुदा हाफिज़।